वेलकम टू सावीज रेसिपीज। आज हम बना रहे हैं व्रत के लिए आलू फ्राई, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए सावीज रेसिपी चैनल को और साथ ही में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आलू फ्राई के लिए यहाँ मैंने 3 आलू लिए हैं। ये उबले हुए आलू है। सबसे पहले आलू छील कर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये आलू फ्राई हम लोग घी में बनाने वाले हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं घी में भुनने के बाद में। और इसमें साथ में सिंगदाना डालेंगे, जो कि काफ़ी क्रंची हो जाते हैं। तो मतलब आलू की सॉफ्टनेस और सिंगदाने की क्रंचीनेस बहुत टेस्टी लगेगी। सारे आलू कट गए हैं, इस तरह के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब सबसे पहले एक पैन लेंगे। इस पैन में मैं 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, बट घी लीजिएगा, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप सिंगदाना, और सिंगदाने को 2 मिनट तक कम से कम भून लेंगे। सिंगदाना क्रिस्पी होना बहुत जरूरी है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। अब इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च और 4 से 5 कड़ी पत्ते। अगर आप तीखा कम पसंद करते हो तो आप हरी मिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें आलू डाल देंगे और आलू को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। यहाँ पर मैं सेंधा नमक, उपवास का नमक यूज कर रही हूँ। अगर आप उपवास में सादा नमक खाते हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ये नमक डालकर अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा लाल हो गया है। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये बिल्कुल बनकर तैयार है हमारे आलू फ्राई। बहुत टेस्टी लगते हैं ये। आप भी व्रत हो या ऐसे नॉर्मली भी खा सकते हैं, ये आलू फ्राई ट्राई जरूर कीजिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में।